हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुभा पांडे, ग्राम ताजोपुर, जिला मऊ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। निवेदन के साथ मैं आपको कोरोना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, और इसको बताने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखें। अगर आपको पसंद आता है तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। मेरे कहने में कुछ कमियां भी हो सकती हैं, परंतु उन पर ध्यान न देकर मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। कोरोना जैसी बीमारी हमारे सामने कठिन समस्या है। इस समस्या का समाधान हमें एक साथ मिलकर करना है। जिस प्रकार चेचक, निमोनिया, टीबी तेज़ी से फैलने वाली संक्रमित बीमारियाँ हैं, घर के किसी एक को हुआ तो एक दूसरे को होने का डर बना रहता है, और इस प्रकार पूरा घर, मोहल्ला, गांव का गांव प्रभावित होता रहा है। परंतु इन बीमारियों से बचने के तरीकों को लगभग हम सभी समझ चुके हैं, जैसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में न रहना, साफ सफाई करना, गर्म काढ़े का प्रयोग करना तथा टीके, दवा आदि के द्वारा संक्रमण को रोकना। इसी प्रकार अब एक और संक्रमित बीमारी हमारे आगे पीछे मंडरा रही है, जिसको समझना मानो विश्व के लिए चुनौती सी बनी है। फिर भी कोशिश जारी है। इस बीच कोरोना से बचने के लिए सावधानियां बरतनी है, जैसे खान पान से इम्यूनिटी को बढ़ाना, आपस की 2 मीटर की दूरी बनाना, मास्क लगाना, बार बार हाथ को साबुन से धोना, बिना वजह मुँह पर हाथ न ले जाना, बाहर से आने के बाद पूरे कपड़े, चप्पल आदि को निकालकर सर्फ साबुन से धोना, व्यक्तिगत साफ सफाई करना आदि शामिल है। इसी प्रकार अब दूसरे राज्य से, जिले से आए व्यक्तियों को इन नियमों का पालन करना भी जरूरी है, ताकि उनका भी परिवार, गांव भी सुरक्षित रहे और कोरोना जैसी भयंकर संक्रमण का फैलाव न होने पाए। इस उद्देश्य से बाहर से आए व्यक्तियों को किसी से न मिलने की सलाह दी जा रही है। 14 दिन के होम क्वारंटाइन यानी घर में एकांतवास रहने का सुझाव है। ऐसा करके एक दूसरे को सुरक्षित रखा जा सकता है। कोरोना जैसी बीमारी हमारे जनजीवन में तबाही मचा रखी है। कोरोना को भगाना ही है, यही हमारा कर्म है, धर्म है और यही हमारा जिद भी है। उन्हें जिद है वहीं बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। कोरोना से बचने के लिए रहें सावधान, तभी बचा पाएंगे हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत।